हेलो बच्चे, सो टिल हियर वी हैव डन एक्टिव पैसिव। अब तक हम एक्टिव पैसिव किया है और उसकी कुछ टाइप्स हम कर चुके हैं। सो व्हाट वी हैव डन इज प्रेजेंट में, ठीक है, एक्टिव पैसिव जो होता है वो सिर्फ एट फॉर्म्स ऑफ टेंस में हो पाता है। सिर्फ एट फॉर्म्स ऑफ टेंस होती कितनी है, 12 टेंसेज होते हैं, 12 फॉर्म्स ऑफ टेंसेज आर देयर, बट एक्टिव पैसिव पर ही अप्लाई होता है, ठीक है। तो अब तक हमने क्या कर ली, प्रेजेंट और पास्ट दोनों के सिंपल वाले फॉर्म कर लिए, डन। प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कर ली, फिर प्रेजेंट और पास्ट दोनों की परफेक्ट फॉर्म कर ली, है ना, परफेक्ट फॉर्म हमने कर ली। नेक्स्ट हमने सिंपल फ्यूचर भी कर लिया है, सिंपल फ्यूचर फॉर्म भी कर लिया है। द ओनली वन विच इज लेफ्ट नाउ इज फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट जिसे हम आज की क्लास में कवर कर रहे हैं। आज इस वीडियो में फिर हमारा जो प्लेन सिंपल टाइप है, जो रेगुलर फॉर्म्स है, रेगुलर टाइप है, वो सारे खत्म हो जाएंगे एक्टिव पैसिव के। बचेगा क्या, स्पेशल टाइप बचेंगे किसके, एक्टिव पैसिव के। स्पेशल टाइप हम बिल्कुल कवर करेंगे, ठीक है, थ्रू द हेल्प ऑफ वीडियोस, ठीक। तो रेगुलर टाइप है, स्पेशल टाइप हम कैसे कवर करेंगे, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, जिसकी मैं क्या दूंगी आपको, वीडियो लेक्चर्स दूंगी, ठीक। आज हम कवर कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट, बी रेडी गिव एन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलो फ्यूचर परफेक्ट टेंस सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, रूल लिख लेंगे इन एक्टिव फॉर्म। What is the rules in active form? Perfect का मतलब क्या है कि has, have, had आता ही आता है। अगर continuous नहीं लिखा तो verb की third form भी आती ही आती है। Future क्या कहता है कि मैं अपना will style दूंगा, तो मेरा active में अगर rule बनना है तो क्या बनेगा मेरे बेटे, rule क्या बन जाएगा वो देखो, rule बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल स्टाइल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव में हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज वी चेंज द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पहले आता है, ठीक है, प्लस विल स्टाइल प्लस बिल्कुल प्रेजेंट और पास्ट की तरह। प्रेजेंट पास्ट में क्या हुआ था, हैज हैव के साथ, प्रेजेंट में क्या हुआ था, हैज हैव के साथ बीन लग गया था, पास्ट में हैड के साथ बीन लग गया था। बिल्कुल सेम हम करेंगे किसमें, बिल्कुल सेम हम करेंगे फ्यूचर में, यहाँ पे हैव के साथ क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं बेटे, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देन वी विल सी एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल वन, दे विल हैव गॉन, दे विल हैव सबमिटेड their test by now. अब तक उन्होंने अपना test submit कर दिया होगा, तो इसका
Please note it down. Sneha will not have accepted the invitation. ठीक है, तो passive में क्या हो गया? Neha will not have accepted the invitation. So the invitation will not have been accepted by Sneha. ठीक है, by Sneha. Example 3, question form देखते हैं. सबसे ज्यादा confused क्या करती है? Question form बनी देखते हैं. Harry's mother will have scolded him. Harry's mother will have scolded him for reaching late at home. Yes, को ऐसे कर देते हैं. Will Harry's mother, have scolded him for reaching late at home? So answer क्या होगा मेरे बेटे? सबसे पहली चीज जो एक ध्यान रखनी है, सबसे पहली चीज यहाँ पे दिया है Harry's mother और यहाँ पे दिया है him. ठीक है, तो ऐसा मत करना कि आप क्या लिख दो यहाँ पे ही और फिर Harry's mother. नहीं, अगर Harry का पहले जिक्र होता तो हम Harry की लिखते ही, हाँ तब his mother लिखते. पर यहाँ पे पहले डिस्कशन किसका कर रहे हैं? Harry की मदर का. पर जब हम अपना आंसर स्टार्ट कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं वो पहले ही लिखना है. ये एक इम्पॉर्टेंट बात है. बच्चे क्या करते हैं, लिख देते हैं ही, विल ही, विल ही से कर देंगे क्योंकि हिम का तो ही हो जाएगा. नहीं, आपको पहले नाम ही लाना है. किसकी बात हो रही है ये लाना है, ये जरूरी है. ठीक है, ये गलती होती है और टेस्ट में भी होगी, गारंटेड 1000%. देख लेना, टेस्ट में भी होगी ये गलती. आप विल हमें आंसर में क्या लिखना है, जिसके बारे में पहले बात हो रही है वो. विल हैरी Have been scolded. Scold का मतलब होता है डांटना. ठीक है. Will Harry's mother, Harry have been scolded by his mother? पहले हमें नाम लाना जरूरी है. By his mother. For reaching late at home. ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी करो मेरे बेटे, जल्दी से इसको कॉपी करो. कुछ दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लेना. ठीक है मेरे बेटे, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि कुछ भी तरीके की दिक्कत हो प्लीज़ मेरे को पूछ लें. ठीक, गलत नहीं कीजिएगा. कुछ ना समझ में आए तो बिल्कुल बेझिझक पूछो. चलिए,
तो कुछ मैं आपको सेंटेंसेस लिखवा रही हूँ, कुछ मैं आपको सेंटेंसेस लिखवा रही हूँ, ठीक, कुछ मैं आपको सेंटेंसेस लिखवा रही हूँ फ्यूचर वॉइस फ्यूचर परफेक्ट के, आप उनको लिखिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए, मुझे होमवर्क सेंड कीजिएगा, ठीक है। चलो और नेक्स्ट क्लास में रैपिड फायर राउंड के लिए बिल्कुल तैयार रहना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में रैपिड फायर राउंड के लिए बिल्कुल तैयार रहना, ठीक है। Sentence number one. Kindly note it till here because I have to give a few more sentences to you. Please note it down and we will see in the next class. Pause करके note down कीजिए, homework भेजिएगा and the special type of sentences will be covered through videos. In next class we will start new topic, that is determiners. ठीक है, I hope you all understood this part.
बी रेडी फॉर रैपिड फायर टेस्ट, प्रैक्टिस इट, ठीक है? चलिए, बाय बाय, टेक केयर।